हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में रिव्यू करूंगा मैं रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के सारे फीचर्स को एक वीक के यूज़ के बाद। जी हाँ, मैंने फर्स्ट सेल में इस मोबाइल को ख़रीदा था। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि अब तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको इसके डिस्प्ले, इसके हार्डवेयर परफॉर्मेंस, मोबाइल का परफॉर्मेंस, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को रिव्यू करके बताऊंगा वीडियो में। लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद यहाँ पे जो घंटी छप रही है उसमें क्लिक करके यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आप हमारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले देख पाएँ। चलिए बात करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के सारे फीचर्स को और एक वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इसमें क्या खास है जो इसे खास बनाती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले तो कहें तो बहुत ही अच्छा है, 6.667 इंच काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी 95% से ज़्यादा है, तो वो भी बहुत ही कमाल का है। आपको अच्छा फील आएगा इसको यूज करेंगे तो। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कलर्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं डिस्प्ले को, जिसको आप कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लुक की बात करें ओवरऑल, तो मोबाइल का लुक भी काफ़ी अच्छा है। सिम आपको यहाँ से डालने का ऑप्शन मिल जाता है। दो स्पीकर मिले हैं यहाँ नीचे में और ऊपर में। यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पर IR ब्लास्टर और ये एक स्पीक माइक है या जी एरियल है मिल जाता है। यहाँ लेफ्ट की ओर आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है। ये कवर मुझे इसके साथ ही मिला था, उसको मैंने लगाया है, क्रिस्टल कवर है। यहाँ से कैमरा जो है उसमें तीन ही कैमरे हैं, इसमें देखने से तो आपको पांच लग रहे होंगे लेकिन पांच नहीं, ओनली तीन कैमरे हैं। सबसे ऊपर का 108 MP का यहाँ AI लिखा हुआ है, ये फ्लैश है और साथ में दो कैमरे मिलते हैं आपको, एक वाइड एंगल का और एक नॉर्मल कैमरा। चलिए बात करते हैं अब इसके और भी फीचर्स के। तो डिस्प्ले के बारे में तो मैंने बता दिया कि डिस्प्ले इसकी बहुत ही अच्छी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, इसके हार्डवेयर की और इसके सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, इसके प्रोसेसर की। तो आपको जैसे ही ये मोबाइल ख़रीदेंगे, एंड्रॉयड 11 वर्ज़न मिलेगा आपको। सिक्योरिटी पैच अपडेट जो होगा वो 1 फरवरी 2022 का होगा। तो चलिए और भी चीज़ें बताता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने इसमें बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। तो अराउंड मैंने 30-35 ऐप्स को इंस्टॉल किए हैं लेकिन इसके परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ये काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। मैंने इसकी आधी मेमोरी भी फुल कर दी है तो अभी तक से कहीं लैग नहीं हो रहा है, सारे ऐप्स फटाफट ओपन हो रहे हैं, कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसके लैगिंग की प्रॉब्लम तो बाद में पता चलेगी कि ये इसका परफॉर्मेंस कैसा है, पर अभी ये बहुत सुपर काम कर रहा है, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। बैटरी की बात करें आपको, तो बैटरी इसका 5000 mAh का है 67 फास्ट चार्जिंग के साथ, तो अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी बैटरी। मैंने फुल डे यूज़ करके देखा है मैंने, तो इसका एक दिन में मैक्सिमम 70% तक जाता है अगर फुल डे यूज करेंगे तो, वरना 70% से भी कम में आपका पूरा दिन चल जाएगा। और चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है, मैंने इसका टेस्ट किया था तो 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो जा रहा है। गाइज, इसके बाद बात करते हैं इसके साउंड के बारे में। तो साउंड भी बहुत अच्छी है, आप कुछ भी प्ले करेंगे। चलिए मैं यहाँ से कुछ प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। हम चलते हैं यहाँ से सेटिंग, कुछ रिंगटोन्स वगैरह में प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से और रिंगटोन्स ये रहा, यहाँ से देखिए मैं प्ले करता हूँ। मैं यहाँ से देखिए, यह दो स्पीकर दिए गए हैं, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ तो देख रहे होंगे ऊपर से आवाज़ आ रही है और जब मैं ऊपर वाले को बंद कर दे रहा तो नीचे से आवाज़ आ रही है। तो कुल मिला कर कहें तो अभी देखिए इतने कम वॉल्यूम इतना अच्छा है, देखिए। तो इस मोबाइल की जो साउंड है वो काफ़ी बेहतरीन है और सबसे अलग है, क्योंकि इसमें दो दो स्पीकर मिल रहे हैं और दोनों मेन स्पीकर हैं, दोनों से आवाज़ अच्छी खासी आती है।
इसके बाद बात करते हैं इसके कैमरा की, तो आपको कैमरा में भी बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रो मोड मिलता है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। 108 मेगापिक्सल का कैमरा का सिलेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, अगर 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ फ़ोटोग्राफी करना चाहें तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद जो फ़ोटोग्राफी करेंगे आप वो 108 मेगापिक्सल का होगा। इसके बाद इसकी क्लैरिटी जो होती है फ़ोटो की, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। देख रहे होंगे काफ़ी जूम करने के बाद भी फ़ोटो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया और इसका परफॉर्मेंस हो गया। अब एडिशनल बात करते हैं उसके कुछ एडिशनल फ़ीचर्स की। तो गाइज, इसमें बहुत अच्छी फ़ीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये तो सबसे लेटेस्ट MIUI 13 से है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, जिस कारण से इसमें बहुत सारे एडिशनल फ़ीचर्स मिलते हैं। स्पेशल फ़ीचर्स भी दिए गए हैं, साइड बार फिंगरप्रिंट अनलॉक आसानी से होता है, इसके बाद फेस अनलॉक है, पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं या पैटर्न रख सकते हैं। देखिए, फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन मिलता है आपको। सेकंड स्पेस दिया गया है, अगर दो लोग एक साथ मोबाइल को यूज करना चाहते हैं कम्प्लीटली अलग अलग ऐप्स रख के, तो इस मोड को यूज कर सकते हैं। लाइट मोड दिया गया है, इसमें कुछ आइकन्स वगैरह बड़े बड़े हो जाते हैं, पता नहीं इस मोड का मुझे कुछ खास लगा नहीं फीचर, पर फिर भी दिया है तो आप चाहें तो यूज करके देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्विक बॉल, स्क्रीन रिकॉर्डर, 100 मोड, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले में आप लेफ़्ट की ओर स्लाइड करेंगे राइट की ओर, तो आपको स्टेटस बार मिलता है। यहाँ से अपने मोबाइल डाटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, जिसको ऑन ऑफ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। लेफ़्ट की ओर स्लाइड करते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन पेन आता है। अगर आप कहीं से भी एक स्लाइड करके लेफ़्ट या राइट की ओर करके इनमें एक दूसरे में स्विच भी कर सकते हैं। लेफ़्ट की ओर स्लाइड करेंगे होम स्क्रीन में तो आपको यहाँ से ऐप होल्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप शॉर्टकट्स कुछ ऐप के रख सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं, डेली स्टेप काउंट, आपने कितने कदम चले हैं ये यहाँ से काउंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप क्लीनर मिल जाएगा, ऐप लॉक मिल जाएगा, रेडमी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। गाइस, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें इस मोबाइल की तो 10 में तो 10 मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन 10 में 8 मार्क्स तो ज़रूर डिजर्व करता है ये मोबाइल। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन आपको MI जो आजकल अपना स्टैंडर्ड सेटअप कर रहा है अपने प्राइस का, वो इससे इसी से लेवल से शुरू होती है। तो गाइस, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मोबाइल को ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सोच सकते हैं, बाकी इसी प्राइस रेंज में आपको दूसरे ब्रांड में भी मिल जाएंगे आपको सेम फीचर्स के साथ मोबाइल। लेकिन अगर आप रेडमी लवर हैं तो बिल्कुल इस मोबाइल के बारे में एक बार सोच सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।